इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी के भिंड ईवीएम विवाद में एसपी कलेक्टर को हटा दिया गया है। चुनाव आयोग में आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने शिकायत की थी, इसके बाद भिंड के अफसरों पर गाज गिरी है। कुल 19 अधिकारियों को हटाया गया है। अटेर में विधानसभा चुनाव है और कल ईवीएम की चेकिंग की जा रही थी, तब दो बार बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकलने का आरोप लगा है। ब्रजेश राजपूत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। ब्रजेश, और क्या बताएंगे आप? देखिए, बड़ा फैसला है चुनाव आयोग का। जिस तरीके से भिंड में 9 तारीख को अटेर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, उसमें जो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह वहां गई, उन्होंने जो उस मशीन को टेस्ट किया, जिस मशीन से पहली दफा इलेक्शन होने वाला है, जिसमें मतदाता जो भी बटन दबाएगा उसके साथ उसने जहां वोट दिया है, वीवीपीटी कहते हैं जिसको, उस मशीन से उसका सिम्बॉल निकलेगा। मगर उन्होंने जब जो बटन दबाई तो उससे दो बार बीजेपी की पर्ची निकली, तो इस पर लोगों ने शक किया और कहा कि मशीनों में छेड़छाड़ हो रही है, मशीन में गड़बड़ी की गई है। इसके बाद फिर इस पूरे मामले में सूर पकड़ा और आज कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने भोपाल में प्रदर्शन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जाके चुनाव आयोग में इस बात की शिकायत की, चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है और मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर एसपी सहित 19 अधिकारियों को हटाने के आदेश दिए हैं। फिलहाल ये हटाने की कार्यवाही मध्य प्रदेश के मंत्रालय में शुरू हो गई है। इन अधिकारियों की जगह नए अधिकारी कौन जाएंगे, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, मगर ये गाज गिरी है कलेक्टर एसपी सहित भिंड जिले के 19 बड़े अधिकारियों पर। शुक्रिया ब्रजेश राजपूत इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं चुनाव आयोग की कार्रवाई से पहले आज कांग्रेस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव आयोग जाकर शिकायत की और मांग की है कि देश में अब कहीं भी चुनाव हो तो वोटिंग मशीन की जगह वापस बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। अब अगर हम ये कहें कि भाई मशीन खराब हो गई होगी, तो कोई खराबी कभी कोई मशीन कांग्रेस के लिए भी तो खराब हो, कोई मशीन समाजवादी पार्टी के लिए भी तो खराब हो। सारी मशीनें जब खराब हो रही है तो बीजेपी के लिए क्यों खराब हो रही हैं? भाई अगर एक मशीन खराब हो गई, कभी बीजेपी को वोट डले, कभी कांग्रेस को एक मशीन का, कांग्रेस को एक मशीन का, समाजवादी, सारी मशीनें खराब होती है तो बीजेपी को इस वोट क्यों पड़ रहा है? तो इसका मतलब ये मशीनें खराब नहीं हो रही हैं। मैं भी टेक्निकल आदमी हूँ, IIT से इंजीनियर हूँ, थोड़ी बहुत ये टेक्निकल समझता हूँ। मशीन जब भी किसी तरीके से बिहेव करती है तो अंदर उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, तो या तो हार्डवेयर की प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब अंदर मशीन के अंदर टेम्परिंग की गई। मुझे शुरू से ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है, शुरू से बटन दबाओ पता नहीं पड़ता वोट कहाँ गया। इसलिए बुनियादी तौर पर जब सारे विश्व में चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं, पूरे विश्व में विकसित देश भी बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहे हैं, तो फिर हमें क्या ऐतराज होना चाहिए?